hello everyone welcome back to my channel if you're new to my channel please subscribe this channel and if you found this video useful then don't forget to hit like comment and share so before moving forward into the video it is very important to know that what topic i will cover in this video i will cover very important topic for your ssc mts and Havaldar examination the topic name is one word substitution i will cover top 10 one word substitution so without any delay let's get started into the video your question number first is the right to vote in public elections जो हमारा हक होता है मतदान देने का पब्लिक इलेक्शंस में उसको क्या कहते हैं सो द करेक्ट आंसर इज़ फ्रेंचाइजी ओके मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस इज कॉल्ड जो स्टेट होता है परफेक्ट बैलेंस का बैलेंस uh, मतलब जो होता है परफेक्ट बैलेंस का स्टेट उसको आप क्या कहें क्या कहेंगे तो द करेक्ट आंसर इज इक्विलिब्रियम ठीक है इक्विलिब्रियम कहेंगे साइंस स्टूडेंट्स को ये आंसर जो है पता होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड अ लिस्ट ऑफ बुक्स किताबों की जो लिस्ट होती है उसको आप क्या कहोगे वन वर्ड में सो वी विल कॉल इट कैटालाग ठीक है उसको क्या कहेंगे हम कैटालाग कहेंगे क्वेश्चन नंबर फोर अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस एक ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रेनिंग दी गई होती है स्पेस में ट्रैवल करने की ठीक है अंतरिक्ष में ट्रैवल करने की ट्रेनिंग दी गई होती है, है उससे आप क्या कहोगे उसको हम वन वर्ड सब्सटूशन में एस्ट्रोनॉट कहते हैं ये आंसर सबको पता होगा ओके मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच इज़ लॉस ऑफ मेमोरी ठीक है मतलब यादाश्श का खो जाना कुछ चीज़ें याद ना रहना तो उसको हम लोग एमनेशिया कहते हैं ठीक है ये काफ़ी कम स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि थोड़ा सा बायो के टर्म में है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है इनकेपेबल ऑफ बींग रीड आप अगर कुछ नहीं पढ़ सकते हो नहीं लिख सकते हो उसको हम क्या कहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इलिटरेट ऐसे व्यक्ति को ये लिटरेट का अपोजिट भी है साथ में ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन वन हु लव्स मैनकाइंड ऐसा व्यक्ति जिसको इंसानियत से प्यार हो मानवता से प्यार हो इंसान बहुत ज़्यादा दयालु हो ठीक है परोपकारी हो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे ऐसे इंसान को जो है हम लोग फिलेंथ्रॉपिस्ट कहते हैं ठीक है फिलानथ्रॉपिस्ट तो ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी दिखता है तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आ सकता है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर जाएं इसको याद रखें क्वेश्चन नंबर एट इज़ अ मैन हु इट्स ह्यूमन बींग ऐसा इंसान जो ह्यूमन बींग को खाता हो ठीक है ऐसा इंसान जो ह्यूमन बींग को खाता हो उसको आप वन वर्ड सब्स्यूशन में क्या कहेंगे तो हम ऐसे इंसान को कैनिबल कहते हैं ठीक है द वन वर्ड सब्स्यूशन वर्ड इज कैनिबल ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर नाइन सो जो क्वेश्चन नंबर नाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो क्वेश्चन नंबर नाइन इज फियर ऑफ क्लोज प्लेसेज ठीक है काइंड ऑफ फोबिया क्वेश्चन है ऐसे लोग को इसको क्लोज प्लेसेस से डर लगता है बंद जगहों से इसको क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं ठीक है बंद जगहों से डर लगने को लास्ट क्वेश्चन इज टेंथ क्वेश्चन एनिमल डेट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर ऐसा जो एनिमल हो जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता हो उसको आप क्या कहोगे तो उसको एम्फीवियन कहते हैं ठीक है फ्रॉग जो है इसका परफेक्ट एक्जाम्पल भी है ये बाहर स्टूडेंट्स को पता होगा ओके थैंक यू सो मच फॉर वचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू इट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू